हेलो, क्या मेरी बात अभिजीत से हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। हाय अभिजीत, मैं HR बोल रहा हूँ से। हाउ आर यू? ओह आई एम गुड सर, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, आई एम गुड। तो आपने हमारे यहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था? जी बिल्कुल अप्लाई किया था। आप कितने दिन का नोटिस दे सकते हैं अपनी प्रीवियस कंपनी में? 30 डेज कम से कम। 30 डेज? तो आप अगले महीने से हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी 30% जो सैलरी हाइक की डिमांड थी वो हमने मान ली है। कांग्रेचुलेशंस। ओह ग्रेट सर, थैंक यू सो वेरी मच। तो मैं आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहा हूँ। आपकी 8 आवर्स की जॉब रहेगी, राइट? सर लास्ट जॉब में भी मेरी 8 घंटे की शिफ्ट थी। ओह वेरी नाइस। तो हाफ एन आवर का आपका लंच है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे शोरूम के बाहर एक बंदा खड़ा है जो ऐसे हाथ में टायर लेके ऊपर खड़ा रहता है, मैनिक्विन, राइट? ओके। तो आपको 1 घंटा वहाँ खड़ा होना है। 1 घंटा खड़ा होना है मतलब? सर नहीं, मतलब आपको वहाँ पे उस मैनिक्विन की जगह टायर लेके ऐसे हाथ ऊंचे करके खड़ा होना है। सर टायर खड़े लेकर सर मैं क्यों खड़ा होगा? मैनिक्विन खड़ा होगा ना वो तो। नहीं नहीं, मैनिक्विन नहीं सर, एक्चुअली हम हमारी जनता को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव आपकी एक्सपेक्टेशंस का भार ढो सकते हैं हमारे कंधे पे। सर मैं बॉडी बिल्डर थोड़ी हूँ, सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ। नहीं वो मैं समझता हूँ, लेकिन धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी। शुरू में आपको पहले साइकिल का टायर देंगे, धीरे धीरे आपको ट्रक का देने लगे, 2-3 महीने में आप ट्रक भी उठा लोगे। अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, बाकी भी सब करते हैं आपकी कंपनी में ऐसा? अरे करते हैं, वंस अ वीक सबकी टर्न आती है। आपकी टर्न हमने थर्सडे को रखी 3 से 4 के बीच में। अरे कहाँ सर, मैं इतना बड़ा टायर खड़ा करके अपने घर पे? अरे इतना बड़ा अभी नहीं करना है, पहले साइकिल से शुरू करेंगे फिर स्कूटर पे आएंगे। नहीं नहीं सर ये तो ना हो पाएगा सर, मैं सॉरी नहीं हो पाएगा। मैं आपको एज एन HR एक बात बताना चाहता हूँ, आपका जो एटीट्यूड है ना वो अच्छा है नहीं, और आप इस तरह से अगर करेंगे तो आपको कहीं नौकरी मिलेगी नहीं। बाय द वे ये आपका हम टेस्ट ले रहे थे, ऐसा किसी को भी खड़ा नहीं करते हम। सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया था, पर प्लीज सर टायर ऊपर लेकर वाली बात थोड़ी मेरे समझ नहीं आई, इसीलिए सॉरी सर। सॉरी आप बोलो, मैं सॉरी मत बोलो, सॉरी सॉरी आप अपने दोस्त सुमित को बोलो। हाँ सुमित ने मुझे आपका नंबर दिया था, मैं सुट बोल रहा हूँ मैजिक 106.4 से। हम इस वक्त फिरकी ले रहे हैं आपकी। टायर लेकर कौन खड़ा होता है? अच्छा सुनो, 1/2 घंटे तो खड़े हो सकते हो ना टायर लेके।